अंधेरी पूर्व MIDC के उद्योग सारथी परिसर में पिछले 15-20 साल से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले कर्मचारियों ने अपने वेतन बढ़ाने और परमानेंट करने की मांग को लेकर 12 फरवरी से यहां आमरण अनशन शुरू किया है। लेकिन इन गरीब कर्मचारियों का सुध लेने वाला कोई नहीं है, जिसके कारण 15 दिनों से अनशन पर बैठे कर्मचारियों में प्रशासन और सरकार के प्रति भारी रोष देखा जा रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि 2016 में संचालक मंडल की बैठक हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा, लेकिन संचालक मंडल ने एक भी कर्मचारी को परमानेंट नहीं किया। इसी बात को लेकर MIDC में काम कर रहे 400 कर्मचारी पिछले 12 तारीख से अंधेरी पूर्व MIDC परिसर में हड़ताल पर बैठे हैं। मांगनी बहुत ही सिंपल है, हमारे जो MIDC के जो बोर्ड है, उन्होंने 10 फरवरी 2016 में एक रिजोल्यूशन पास किया है कि पिछले 20-25 साल से ये जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं MIDC में, उनको अंशतः अस्थाई अस्थापना ये फॉर्मेट में उनको परमानेंट करने का उन्होंने डिसीजन लिया है। लेकिन पिछले साल से 3 साल से उस डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। हम लोग बार बार हम लोग इंडस्ट्री मिनिस्टर से मिलते हैं, उनसे हमने बहुत सारे हमने रिप्रेजेंटेशन दिए, बातें की है, लेकिन ये काम नहीं हो रहा है। ये वो अलग अलग बजा दे, खुद का उनका डिसीजन है, ये बोर्ड ने उन्हें डिसीजन दिया कि उन्होंने खो जो डिसीजन लिया है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। और 3 साल से ये लोग पिछले 20-25 साल से काम कर रहे हैं, मात्र उनको पहले उनको 2-3 हज़ार तनख्वाह मिलती थी, अभी उनको 8-10 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है। ये तनख्वाह में ये लोग काम कर रहे हैं, और इसमें से जो डिसीजन लेने के बाद में 5 हमारे एम्प्लॉय मर गए, 3 साल में गुजर गए, वो 347 की जो लिस्ट इन्होंने जो फाइनल की है, और अभी सर और ये लोग वक्त लगाएंगे तो एक साल भर में सर और लोग मर जाएंगे, और लोग रिटायर्ड हो जाएंगे, कि उनके और इनको सर मात्र 2-3 साल का टाइम मिलने वाला है, कि ज़्यादा नहीं, क्योंकि 20-25 साल की सर्विस हो गई है, रिटायरमेंट के बहुत नज़दीक आ गई है। हम लोग बार बार उनसे कहते मिलते हैं, लेकिन ये मिनिस्टर बात सुनते नहीं है, गुमराह करते हैं। इनके जो वरिष्ठ नेता जब बात करते हैं उनको भी गुमराह करते हैं। 2 दिन पहले हम उनको बंगले पे मिले, और हमने इनके वरिष्ठ नेता है हमारे एक इंडस्ट्री मिनिस्टर डाके साहब से बात करवाई, तो डाके साहब को कहते हैं, डाके साहब आप मालूम आप वरिष्ठ वकील है, आपको जानकारी होगी कि सुप्रीम कोर्ट का हमारा प्रतिबंध है, ये वजह है, तो उस तरह से गुमराह करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है 2004 में आया था, और ये रिजोल्यूशन 2016 में पास हो चुका है, और जब रिजोल्यूशन पास हो गया है, जब ये हमारी इंडस्ट्री हमारी जो MIDC है उसका पूरा लीगल डिपार्टमेंट वहाँ मौजूद था, तो सारी बातें सुप्रीम कोर्ट का प्रॉब्लम्स है ये सारी बातें करके ये डिसीजन पास हो गया है, तो उसमें कोई बाधा नहीं आने चाहिए। तो ये गुमराह करते अपने वरिष्ठ नेता को, हमारा काम नहीं करे। पिछले 14 दिन से ये लोग यहाँ पे अनशासन पे बैठे हैं सर, बाकी सभी पार्टी है, स्वाभिमानी पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, मनसे के लोग हैं यहाँ पे, उनके कार्यकर्ता आए, उनके नेतागण आए और हमारी पूछताछ कर रहे हैं, हमारे मैनेजमेंट को उन्होंने लेटर भी दिया है, लेकिन शिवसेना का ना कोई यहाँ MLA आया, ना कोई सांसद आया, ना कोई इनका लोकल नगर सेवक आया, ना शाखा प्रमुख आया, कोई नहीं आ रही है। तो हम ये कहते हैं कि शिवसेना पार्टी, हमें चाहते कि इनकी जो पब्लिक के प्रति जो संवेदना है वो खो चुके हैं, और दूसरी बात है इनके पास न्याय करने की बुद्धि साबित उनके पास है कि नहीं, इसका हमें तो अभी शंका आने लगी है।